डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बीसीडी एडिशन। मतलब हमारे पास अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं, दोनों बीसीडी नंबर दिए हुए हैं, तो उनकी एडिशन हम कैसे करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, तो इसीलिए आपको विद एग्जाम्पल सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर करवाऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीसीडी के बारे में एक्सेस 3 कोडिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोड है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और उसका लिंक जो है वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऊपर सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हल्का सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम किसी भी नंबर को चार बिट में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चार बिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। अब यहां पे देखो, चार बिट का अगर नंबर है कोई भी, तो मेरे पास रेंज कितनी बनेगी, 2^4, दैट इज 16 टोटल नंबर्स है, 0 से 15 की रेंज बनेगी, ठीक है ना। अगर 4 बिट का नंबर है तो 0000 से लेके 1111 तक, तो देखो 0 से लेके 15 तक बनेगी रेंज। अब हमारे पास जो बीसीडी होता है, बीसीडी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार 0 से 9 तक तो हम यूज करते हैं, लेकिन जो 10 से 15 वाले जो 6 वैल्यूज हैं, इनको हम यूज नहीं करते। बीसीडी में सिर्फ 0 से 9 जो है वो वैलिड है, ऑल्दो हमारे पास रेंज जो है 0 से 15 तक है, लेकिन 0 से 9 तक की हम यूज करते हैं, लेकिन 10 टू 15 की रेंज जो है वो यूज नहीं करते। तो यानी कितने नंबर हम यूज नहीं कर रहे, इनवैलिड है 6। अब देखो, बीसीडी एडिशन जब भी हम करते हैं, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है लेट्स से मेरे पास यहां पे 6, तो टोटल मेरे पास क्या बनेगा, 8 बनेगा। ये मैं अगर हम बाइनरी में इसको जोड़ें तो 2 प्लस 6 क्या बनेगा, 8 बनेगा डेसिमल में। तो अगर हम बाइनरी में इसको करें तो उसमें भी आपके पास आंसर तो इसी तरीके से आएगा। बीसीडी में हम करते क्या है, हर एक नंबर को चार बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 को कैसे लिखेंगे, 0010, सिंपल। नॉर्मल हम बाइनरी में 10 लिख देते हैं, लेकिन यहां पे चार बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 0010, 60110, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो क्या बन गया, 0, 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2, 2 मतलब 10, तो 0 यहां पे आ गया, कैरी यहां पे आ गया, 1 प्लस 1 मतलब क्या हो गया, 2, तो 2 कैसे हम डिनोट करते हैं, 10 से, तो 0 यहां पे लिख दी, 1 ऊपर कैरी आ गया, फिर 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2 मतलब 10, तो 0 यहां लिख दी, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ गया, 1, तो लो जी ये क्या बन गया आपका, 8। तो ये 8 जो है वो बाइनरी में भी 8 है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है यहां पे बाइनरी में भी 8 है और बीसीडी में भी 8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारी इस रेंज से बाहर चला जाता है, जब इस रेंज से बाहर चला जाता है, कैसे मैं आपको बताता हूं। लेट्स से मेरे पास नंबर है 3 और दूसरा नंबर है लेट्स से मेरे पास 8, तो टोटल क्या आएगा, 11। तो करेंगे कैसे, 0011 क्या आ गया, 0011, और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, 8100, सिंपल जैसे हम करते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे, 1+0 1, 1+0 1, 0+0 0 1, ये आपके पास जो है वो क्या बन गया, 11 बन गया बाइनरी में। किसमें बना, बाइनरी में। तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिया हो सकता है, नहीं गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें 11, ये क्या आता है, आंसर क्या आएगा, 11, लेकिन गाइज ये बाइनरी में 11 है, बीसीडी में 11 होता ही नहीं। बीसीडी में अगर आप 11 को रिप्रेजेंट भी करोगे ना, तो कैसे करोगे, 11 मतलब 11, इसको हम हर एक नंबर को चार बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, 0001, इस 1 को 0001, ये एक्चुअल में क्या बनेगा, 11 बनेगा, किसमें, आपका बीसीडी में। तो यहां पे ये तो दोनों बराबर नहीं दिख रहे, तो फिर इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट, फाइंड आउट करने के लिए करना क्या, आपको 6 ऐड करना है। यहां पे हम करते क्या है, जब भी अगर 0 से 9 तक हमारी रेंज बन रही है देन ओके है, लेकिन अगर इससे बाहर की रेंज का कोई वर्ड आ रहा है तो हम 6 जो है वो ऐड करते हैं, ताकि हम उसको बीसीडी में कर सके। क्यों, देखो सिंपल सा रीजन है, 0 से 15 टोटल है, 0 से 15 मेरे पास टोटल जो है वो 16 नंबर्स हैं, जिनमें से मैं सिर्फ 10 यूज कर रहा हूं 0 से 9, तो ये जो 6 है ये 6 मैं यूज ही नहीं कर रहा, तो यानी मैं क्या करूंगा, इस 6 को इसमें ऐड करके दोबारा से बीसीडी में कन्वर्ट कर लूंगा। तो देखो 1011 ये मेरा आउटपुट आया था, लेकिन ये बीसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बन नहीं रहा आंसर, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 6 जो है वो ऐड कर दूंगा। तो 6 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 1+0 1+1 क्या बनेगा, 2, दैट इज 0 यहां पे लगा दिया, 1 कैरी आ गया, 1+0 प्लस 1
अगेन जीरो यहां पे आ गया, एक कैरी आ गया, वन प्लस वन क्या बन गया आपका टू, दैट इज जीरो यहां पे आ गया, एक आपका क्या आ गया बाहर। तो देखो यहां पे ये दोनों नंबर्स बराबर लग रहे हैं ना, ये आपको अगर लग रहा होगी सर इसके आगे तीन जीरो है तो आगे तो जितनी मर्जी जीरो लगा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखो ये बन गया आपका आउटपुट। तो ये एक्चुअल में इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं आउटपुट जो है वो जनरेट करते हैं बीसीडी के केस में। तो बस ये पॉइंट याद रखना, जब भी आपका जीरो से नाइन की रेंज में आ रहा है देन ओके है, लेकिन अगर उससे बाहर का कोई नंबर आ रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, तो आपको सिक्स ऐड करना। जैसे एक और कर लेते हैं, 8 + 8 = 16, ठीक है, 8 + 8 क्या होता है 16। तो अगर मैं सिंपल इसको बीसीडी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे 8 को ऐसे इनको ऐड कर देते हैं, 0 0 0, 1 + 1 = 0 1। तो ये क्या बन गया आपका, ये टोटल आपके पास क्या बन गया, ये आपको लगेगा कि सर ठीक है 16 आ रहा है, भैया ये 16 बाइनरी में है, बीसीडी में तो होता ही नहीं। बीसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा, इन चार को आप क्या बोलोगे जीरो, और इस वन के क्या बोलोगे वन। तो यानी बीसीडी के हिसाब से तो ये आंसर क्या आया, 10 आया, लेकिन ये तो गड़बड़ है। तो फिर इसको कैसे प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन 6 ऐड कर दो। तो यानी इसमें अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 6 क्या बनेगा, 1 1 0, ये आपके पास 6 होता है तो इसमें ऐड कर दो 0 1 1 0 1। तो ये आपका जो है वो एक्चुअल में आंसर आएगा। कैसे, अब आपको करना क्या है, ये जो चार बिट है कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये क्या होता है 6 और ये आगे क्या आ गया 0 0 0, ये क्या आ गया 1। तो ये देखो इस तरीके से आपका जो है वो आउटपुट आता है बीसीडी के केस में। बस लास्ट में यही पॉइंट बोलूंगा, 0 से 9 के बीच में अगर रेंज में आ रहा है वैल्यू देन ओके है, लेकिन अगर इससे बाहर की रेंज में आ रहा है देन यू हैव टू ऐड 6। थैंक यू।